हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड फिटनेस। मैं हूं किरण। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके मुंह से दुर्गंध आती है। उनके पास बैठना तो दूर, कोई उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता, जिससे उनका कॉन्फिडेंस कमज़ोर हो जाता है और अकेला अकेला महसूस करते हैं। उनके दुर्गंध की समस्या यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके मुंह से अन्य जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे दांतों में कीड़े लगना, मसूड़ों का फूलना, सांसों का कमज़ोर होना, पायरिया इत्यादि। लेकिन आप घबराएं नहीं, ऐसे कुछ घरेलू उपाय हैं जिनसे आप इन समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पाने के लिए आपको जानने हैं हमारे आयुर्वेद समाधान। समाधान जानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारे मुंह से बदबू क्यों आती है। इसका पहला कारण खाने पीने के बाद मुंह ना धोना या कुल्ला ना करना होता है। मुंह से जुड़ी बीमारी, पेट की खराबी, अपच और एसिड का बनना, देर तक पानी ना पीना और खाली पेट रहना, कब्ज होना, बैक्टीरिया का जमना, कैविटी, शुगर, लिवर में समस्या, पायरिया या मसूड़ों में सूजन इत्यादि, ये सब आपके दांतों की समस्या और मुंह में दुर्गंध को बुलावा देते हैं। मुंह की बदबू दूर करने के उपाय। पहला, दांतों और जीभ की सफाई आपको मुंह की बदबू की समस्या से छुटकारा दिलाने में सहायक होती है। इसलिए आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने दांतों की सफाई जरूर करें, और आप दिन में नहाते समय आप अपनी जीभ को टंग क्लीनर से साफ करें, किंतु ध्यान रहे कि आप इसे जोर से न रगड़ें, यह हानिकारक हो सकता है। सेकंड, खूब पानी पिए। दिन में कुछ न कुछ खाते रहने से हमारे दांतों पर बैक्टीरिया हमला कर देते हैं और दांतों से चिपकने की कोशिश करते रहते हैं, किंतु दिन में खूब पानी पिया जाए तो यह एक क्लीनर का कार्य करता है और दांतों की दुर्गंध को नहीं होने देता। साथ ही खूब पानी पीने से आपकी बॉडी की सफाई भी होती है और आपकी बॉडी स्वस्थ भी रहती है। थर्ड, नशे से बचें। चाहे कोई भी नशा हो, वो शरीर को हानि जरूर पहुंचाता है, इसलिए आपको किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। जहां तक बात है मुंह की दुर्गंध की, तो धूम्रपान, तंबाकू और शराब, इनमें अल्कोहल की मात्रा जरूर होती है, जिससे बहुत बुरी बदबू आती है। अगर आप नियमित रूप से इनका सेवन करते हैं या इसके आदि हैं, तो मुंह से बदबू आना स्वाभाविक है। अगर आप इनमें से कोई भी उपाय करते हैं, तो आपके मुंह से बदबू आनी दूर हो जाएगी और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी और भी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिले। सो दोस्तों, स्टे हेल्दी, बाय बाय।